और बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं हम लोग, और इसमें आज सीखने वाले हैं कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा दिखता है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जिसने सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट दे रखा था उनका नाम था क्या, सिंगर एंड निकोलसन, जो 1972 में फ्लूड मोजाइक मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके दो लेयर होते हैं, एक अपर और एक लोअर। इन दो लेयर के बीच में जो प्रोटीन होता है वो मूव करता है, ठीक है। अगर इस लिपिड के लेयर को समझने की कोशिश किया जाए तो एक लिपिड की जो लेयर है वो दो चीज की बनी होती है, ठीक है। आगे ये वाला एंड हाइड्रोफिलिक है और ये वाला एंड बहुत लंबी सी कार्बन की चेन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। तो इस तरह से ये जो हिस्सा है ये क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स मूव करते हैं, और ये लिपिड का अपर लेयर है और ये लिपिड का लोअर लेयर है, ठीक है। और अच्छे से चीजों को आइडेंटिफाई करने की जो हमारे किताब में इमेज बनाया गया क्लास 11 के बायो में, वो एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही दिखता है, यू कैन सी। और बच्चे बड़े मेहनत किए हैं इसको बनाने के लिए, मैंने खुद नहीं बनाया है, ठीक है, यही लोगों में से एक व्यक्ति ने बनाया है, नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये है इंटीग्रल प्रोटीन, ये है पेरिफेरल प्रोटीन, और ये जो दोनों लेयर देख रहे हैं ये नीचे वाला लेयर क्या है, लिपिड का बना है और ऊपर भी लिपिड का लेयर है, तो ये लिपिड बाईलेयर हो गया और इसके अंदर प्रोटीन मूव करता है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है और ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट फ्लूइड मोजाइक मॉडल।